सलीम जावेद द्वारा लिखी त्रिशूल फिल्म यश चोपड़ा और गुलशन राय की बनाई पहली फिल्म थी। इसमें अमिताभ के अलावा संजीव कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, राखी ने काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ को जितना मेहनताना मिला और संजीव कुमार ने कहा कि मैं उतना ही लूँगा, क्योंकि संजीव कुमार से पहले दिलीप कुमार को ये रोल ऑफर किया गया था, किन्हीं कारण से उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद संजीव कुमार को फाइनल किया गया। संजीव कुमार की जीत थी कि मैं भी अमिताभ के बराबर ही पेमेंट लूँगा। तो उसके बाद यश चोपड़ा ने कहा ठीक है, आप भी अमिताभ के बराबर ही लेना, तो उनको अमिताभ के बराबर ही पैसा दिया गया। यह फिल्म अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। इसमें विजयंती माला को भी साइन किया गया, लेकिन विजयंती माला ने मना कर दिया। उसके बाद निरूपा राय को ये रोल दिया, लेकिन उन्होंने मना करने के बाद वहीद रहमान को चला गया। त्रिशूल फिल्म 1978 में बनकर तैयार हुई, जो अपने समय की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से अमिताभ की सुपरस्टार की दावेदारी और मजबूत हुई। अमिताभ और दिलीप कुमार फिल्म में काम नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने शक्ति नामक फिल्म में काम किया, जिसमें अमिताभ, दिलीप कुमार, राखी और स्मिता पाटिल ने काम किया था। इसको रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था और यह फिल्म अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी।